वज़ीर आज़म की बागी अराकीन के लिए गाजर और डंडे की पॉलिसी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उनके इंटेलिजेंस राय ने आगाह किया था कि उनकी जमात के एक दर्जन से ज़ायद अराकीन कौमी असम्बली तहरीक की अदम एतमाद के रोज़ अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। चुनाचे ये फैसला किया गया कि वोटिंग के रोज़ तहरीक इंसाफ के अराकीन को असम्बली इजलास में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी ताकि वो अपोजिशन का साथ ना दे पाए। बाखबर ज़राए का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की वार्निंग के बाद वज़ीर आज़म ने गाजर खिलाने और डंडा दिलाने की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। चुनाचे एक तरफ तो नाराज़ अराकीन असम्बली को मनाने की कोशिशों का आगाज़ किया, जबकि दूसरी तरफ वो अराकीन जिन्हें मुस्लिम लीग नवाज ने अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट देने का वादा किया है उनको डराने के अमल का आगाज़ किया गया। तमाम चौकी हुकूमत की जानिब से राबता करने पर किसी भी पीटीआई एमएनए ने अपोजिशन के साथ जाने की तस्दीक नहीं की थी, चुनाचे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी। लिहाजा कप्तान के पास वाहिद रास्ता यही था कि वोटिंग वाले दिन वो पीटीआई के किसी भी मुंतखब रुकन को इजलास में शरीक न होने दें। तमाम अपोजिशन ज़राए का कहना है कि हुकूमत के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा और पीटीआई के जिन अराकीन ने इमरान के खिलाफ वोट डालने की यकीन दहानी करवाई है वो सूरत असम्बली इजलास में पहुंचेंगे क्योंकि उनके साथ किए गए वादे उनके वोट से मशरूफ हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने यह फैसला भी किया कि तहरीक एतमाद पर वोटिंग से एक रोज पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर ताकत का मुजाहरा करेंगे ताकि अपने मुमकिन मुनर्रिफ अराकीन पर दबाव डाला जा सके। लेकिन यूं मालूम होता है कि अब गेम कप्तान के हाथ से निकल चुकी है और मैच आखिरी ओवर में दाखिल हो चुका है। अपोजिशन क्यादत अपनी नंबर गेम पूरी करने के बावजूद मामला नहायत खुफिया रख रही है ताकि वज़ीर आज़म काउंटर स्ट्रेटजी तैयार ना कर पाए। दूसरी जानिब कप्तान की इत्तेहादी जमातें भी अपोजिशन क्यादत के साथ मामला तकरीबन फाइनल कर चुकी है, लेकिन अपोजिशन सियात मिलाने का ऐलान मुनासिब वक्त पर करेंगे। इसी तरह हुकूमती जमात के अराकीन भी नहायत खामोशी के साथ अपने मामला तय कर चुकी है और इजलास वाले दिन सामने आएंगे। अपोजिशन की बुनियादी स्ट्रेटजी यही है कि तमाम मामला को आखिरी वक्त तक नहायत खुफिया अंदाज में आगे बढ़ाया जाए ताकि कोई मसला दरपेश न आए। इसी दौरान काफली के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर आबी वसायल चौधरी मोना सिलाई ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को 14 मार्च के रोज़ होने वाली मुलाकात में बता दिया था कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अराकीन कौमी असम्बली ने उनके खिलाफ वोट देने का फैसला कर लिया है। मोना सिलाई ने बताया कि इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर असद उमर भी मौजूद थे जिसकी खबर मीडिया में आई थी। उन्होंने कहा कि उनके इस दावे पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं जानता हूँ पीटीआई के 7-8 एमएनएज हैं जिन्होंने अपोजिशन की तरफ जाने का इरादा कर लिया है, लेकिन मोना का कहना है कि मैंने वज़ीर आज़म को बताया कि उनके बागी अराकीन की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। उनके मुताबिक मैंने इमरान को बताया कि इन अराकीन को मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से हिमायत के बदले अगले इलेक्शन में टिकटों के वादे मिले। मोना सिलाई ने कहा कि इमरान खान का मौकफ था कि उनके एमएनएज को रिश्वत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद वज़ीर आज़म को बदलती सूरत हाल से खबरदार करना था। मोना सिलाही ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म पर जोर दिया था कि वो अपने अराकीन को अपनी तौर पर बताएं कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वफाकी वज़ीर के बकौल उन्होंने महसूस किया कि उनके नुक्ता नज़र को संजीदगी से नहीं लिया गया बल्कि इसका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास पीटीआई की सफ़ों से अलहदगी के हवाले से मुसद्दका इतलात थी, लेकिन हुक्मरान जमात की जानिब से उनकी वार्निंग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी जानिब अपोजिशन ज़राए का दावा है कि काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और एमकेएम वज़ीर आज़म का साथ छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं और हतमी ऐलान तहरीक एतमाद पर वोटिंग की तारीख सामने आने के बाद किया जाएगा। तमाम इस दौरान मंसूबे के तहत कप्तान की इत्तेहादी जमातें उनके साथ भी मुज़ाकरात जारी रखेंगी। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।